नमस्कार, मैं टिकम शर्मा और आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। आइए देख लेते हैं यूक्रेन और रूस के वॉर से जुड़ी कुछ अपडेट्स। रूस पर यूएस ने लगाए कड़े प्रतिबंध, रक्षा कंपनियों को किया बैन। जंग के बीच कनाडा 160 रूसी अफसरों पर लगाएगा प्रतिबंध। बाइडेन की चीन को चेतावनी, यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन की सेना का दावा, 9 मई तक युद्ध खत्म करना चाहता है रूस। रूसी सेना के हमले में कीव में अब तक 75 नागरिकों की हो चुकी है मौत, 307 जख्मी। यूक्रेन का बयान, रूस ने 84,000 बच्चों समेत 4,02,000 यूक्रेनी को बनाया बंधक। रूस ने यूक्रेन पर रासायनिक हमला किया तो हम देंगे जवाब, बोले बाइडेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग में उनके खिलाफ दुनिया भर के देशों को केवल रूबल में भुगतान करने की दी धमकी। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की मोर्चाबंदी तेज, पुतिन को तीनों मोर्चा पर घिरने की तैयारी। यूएनजीए में यूक्रेन पर प्रस्ताव पारित, भारत ने वोटिंग से फिर बनाई दूरी। नेटो देशों ने हमले के लिए रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच का समर्थन किया। रूस के न्यूक्लियर अटैक वाली धमकी के बाद एक्शन में नेटो देश यूक्रेन की कर रहे मदद। यूक्रेन को न्यूक्लियर सुरक्षा हथियार देगा नेटो। यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है रूस, नेटो को चेतावनी, पूरे यूरोप पर पड़ेगा इसका असर। और अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।